शायद तुम जानती नहीं अपनी, लेकिन हमारा कानून कहता है कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अब तो काका भी कल सुबह तक कुछ नहीं कर पाएंगे, और आज की रात मल्हार जी का ख्याल रखने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कहा था कि पेशेंट को इतनी जल्दी घर लेकर जाने में खतरा है। आप खुद सोचिए, कांच से हुए अंदरूनी जख्म है, इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। मेरी गलती हो गई डॉक्टर, I'm sorry, आप मुझे बताइए, मैं मल्हार को अभी लेकर आऊं। मैं तो आज ही दोपहर को नासिक आया हूँ एक केस पे, अब 2 दिन बाद ही लौटूंगा। क्या कह रहे हैं आप, 2 दिन बाद? दो डॉक्टर के बारे में बताया था ना, जिन्होंने मेरा तब इलाज किया था जब मैं टेकड़ी से गिरी थी। हाँ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। मैंने तुमसे कहा था उनसे मिलने के लिए, मल्हार जी के लिए, जो मिल के आई। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? कल्याणी, उन्होंने कहा है कि दादा के जख्म ब्रह्म कमल का रस पिलाने से भर सकते हैं। ये फूल बस साल में एक ही हफ्ते खिलता है, वो भी सूरज ढलने के बाद से सिर्फ 3 घंटों के लिए। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का एक घर है जहाँ शायद ये फूल मिल सकता है। 2.5 घंटे हो चुके हैं कल्याणी, आधा घंटा और बचा है फूल मुरझाने में। आधा घंटा? मैं लेकर आऊंगी आधे घंटे के अंदर वो फूल मल्हार जी के लिए। तुम बस मुझे वो जगह का एड्रेस भेज दो, जल्दी। मल्हार जी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ ही होने दूंगी मैं आपको। रुको कल्याणी, तुम्हारी मल्हार को कोई जरूरत नहीं है, मैं मल्हार के लिए काफी। तुम्हें लगता है ये बहाना देके अगर तुम बच जाओगी ना, तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तुम भी मेरी एक बात सुन लो अपनी, मल्हार जी का ख्याल रखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कि मेरा हक और ये हक तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। अनुप्रिया, ये शेक बिल्कुल तुम्हारी तरह फीका है। आप आपके दोनों सर्वेंट्स मेल एंड फीमेल को अनुप्रिया क्यों बोल रहे हो? ठीक हो, एक जमाने में उसके साथ रिश्ता हुआ करता था, अब उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। आई गई थी तो खातिरदारी करने का मौका तो देती। मेरे नौकरों के नाम पसंद नहीं है, सही सोच रही हो, देख लिया था मैंने तुम्हें, और ये भी जानता हूं कि जरूर तुम यहां
अपनी बेटी की फरियाद लेकर आई होगी, है ना? कोई फायदा नहीं है। कल्याणी नोटिस देने के बावजूद मलार के घर गई थी, और अब मैं भी देखता हूँ उसे जेल जाने से कौन रोकता है। मैं हाथ छोड़ती हूँ। आपको मुझसे बदला लेना है ना, ले लीजिए। लेकिन मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रहे हैं? में नरगिस जी को मदर इंडिया के लिए एक अवार्ड मिला था। मदर इंडिया का वही किरदार निभाने के लिए आज वो अवार्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेट मी डू द ऑनर्स एंड द अवार्ड गोज टू अनुप्रिया राम। हाँ नहीं राने, नहीं तुम देशमुख ही ठीक हो। सो द अवार्ड गोज टू अनुप्रिया देशमुख। राउंड ऑफ अप्लॉज। आज के बाद अपना दुखड़ा और अपनी बेटी का दुखड़ा लेके मेरे पास मत आना, समझी? मेरे लिए तुम और तुम्हारी बेटी अब कोई मायने नहीं रखते। और हाँ, अपनी ने बताया कि मल्हार की तबीयत और बिगड़ गई है और उसकी वजह कल्याणी है। मेरे जीते जी अगर मल्हार को कुछ भी हुआ तो जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को जेल में सड़ाऊंगा, बोल देना उसे। आई कल्याणी, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ आई, आई मल्हार जी, उनके मुंह से फिर से खून निकलने लगा। वो एक्चुअली कल्याणी, तुम फिर से मल्हार के घर गई थी? ये बात अब कोर्ट तक गई है, तुम्हें पता है ना? अम्मी ने घर पर जो तमाशा किया वो काफी नहीं था क्या? आई तुम मुझे जितना डांटना चाहती हो ना, तुम मुझे डांट लेना, लेकिन उससे पहले मुझे ये ब्रह्म कमल नाम का फूल ढूंढना है। आई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे इस फूल के बारे में बताया, कहा है कि मल्हार जी के जख्म सारे भर जाएंगे। और ये फूल जहाँ पे उसका एड्रेस मुझे मिला है, ये एड्रेस पे जाना है। कल्याणी, ये तो सार्थक का एड्रेस है, मैं अभी बस वहीं से आ रही हूँ, मैं उन्हें समझाने गई थी। आई हमें वहाँ जाना होगा। मैं जानती हूँ कि वहाँ जाने में बहुत रिस्क है, लेकिन मल्हार जी की लाइफ वो भी तो रिस्क पे है ना। कल्याणी आई मैं नहीं जानती, देखो 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में वो फूल मुरझा जाएगा, उससे पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है, वो फूल लेना है, हमें मल्हार जी तक पहुँचाना है। चलो जल्दी करो, चलो चलो। यहाँ तो ताला है, इस पे तो ताला है। लगता है सारे नौकर भी चले गए। कल्याणी हम अंदर किसे जाएंगे? जाने क्या करें। आई टाइम बहुत कम है। हाँ एक मिनट। आई क्या ढूंढ रही हो? रुक जाओ कल्याणी, ये देखो, पुरानी आदतें ना कभी बदलती नहीं। सार्थक हमेशा ये चाबी ना कारपेट के नीचे ही रखते थे। चलो आई जल्दी से अंदर चलो, इसके पहले कि कोई आ जाए। लेकिन कल्याणी अगर गलती से भी सार्थक ने तुम्हें अंदर पकड़ लिया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आई मैं मल्हार जी के लिए एक बार कानून ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, एक बार और सही। चलो आई वक्त नहीं है, दरवाजा खोलो जल्दी। चलो जल्दी करो, कोई आ जाएगा। देखना कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ। ध्यान रखना। चलो चलो चलो। अवनी अवनी बात सुनो मेरी। देखो परेशान मत हो,
लार को कुछ नहीं होगा, मैंने एक और डॉक्टर को बोला है, वो बस पहुंचता ही होगा। ठीक है काका, पर आप जल्दी आइए। हाँ हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, पहुंच के करता हूँ। ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि मेरे घर में चोरी करने गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूल यहाँ मिल सकता है, लेकिन आई ब्रह्मा कमल दिखता कैसे मुझे तो पता ही नहीं। हाँ रुक जाओ कल्याणी, दिखेगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ढूंढो ढूंढो हर जगह ढूंढो। ये बड़ा वाला प्लांट? नहीं नहीं, तो सफेद रंग का होता है, देख लेना। वाइट। कल्याणी वो देखो, ये है ब्रह्म कमल, और ये ना सिर्फ शाम को खिलता है, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए। मैं नहीं जानता था कि एक डीएम की तनख्वाह इतनी कम होती है कि चोरी करने की जरूरत पड़ जाए। क्या नया ड्रामा है माँ बेटी का? काका देखिए, लाची की हालत बहुत खराब है, और मैंने एक्चुअली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात की है, उन्होंने मुझे इस ब्रह्म कमल फूल के बारे में बताया है। वो फूल का रस पिलाने से ना मल्हार जी का जो जख्म है वो भर जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे, और वो जो फूल है ना वो वहाँ आप कल्याणी एक सेकेंड, तुम अपनी माँ को पढ़ाना लिखाना चाहती थी और तुम्हारी आई ने तुम्हें गवार बना दिया। मल्हार जानवर नहीं है, तो तुम माँ बेटी उस पे एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करो। डॉक्टर आ रहा है उसका ध्यान रखने के लिए, तुम हमारे घर के निजी मामलों से दूर रहो। गेट आउट, गेट आउट। काका देखिए, आप मुझसे नफरत करते हैं ये मैं समझ चुकी हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे गिरफ्तार भी करवा दीजिए, लेकिन प्लीज उससे पहले मुझे बस ये फूल का रस निकाल के मल्हार जी तक पहुंचाने दीजिए, फिर आपको मुझे गिरफ्तार करवाना आप करवा लेना। तो माँ बेटी की आदत नहीं जाएगी ना महान बनने की, ये मोक्ष का बहाना कर करके जो तुम बार बार मल्हार के करीब आने की कोशिश करती हो ना, ये बंद कर दो। एक बात समझ लो कल्याणी, तुम्हारा और मोक्ष का कोई रिश्ता नहीं है, तो उसके बहाने मल्हार की जिंदगी में तुम वापस नहीं आ सकती। भूल जाओ मल्हार को और भूल जाओ मोक्ष को। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार? कल्याणी तो मोक्ष की आई है, उसी का तो बच्चा है मोक्ष। वाह अनुप्रिया वाह, आज बात कल्याणी की आई तो जबान बराबर चलने लग गई। तुम्हारी इन बातों से कहीं पे भी ये साबित नहीं होता है कि कल्याणी मोक्ष की माँ है। डीएनए टेस्ट से हो सकता है, जाओ जाकर डीएनए टेस्ट कराओ। कोई है जो डीएनए टेस्ट कर देगा और ये बता दे? नहीं ना, इसीलिए समझा रहा हूं, अपना ये मोक्ष के साथ रिश्ते का ड्रामा खत्म करो। मोक्ष और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, और रही बात तुम्हारी और मल्हार की, तो मल्हार की जिंदगी में तुम सिर्फ एक दूसरी औरत हो जिस रिश्ते को ये समाज ने अपनाता। ये बात आप कह रहे हैं काका? आप कह रहे हैं ये बात? आपने तो मुझे और पन्नू को साथ देखा है ना, हम दोनों का रिश्ता क्या है ये आपने अपनी नजरों से देखा है, और आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको एक माँ होने का टेस्ट दूं? Then I'm sorry, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं बना जो एक माँ का उसके बच्चे के लिए प्यार साबित कर सके। और क्यों दूं मैं आपको कोई भी सबूत, क्यों दूं मैं आपको कोई भी टेस्ट? जब पन्नू दिन भर रोता था और किसी की गोद में जाकर चुप नहीं होता था, बट सिर्फ मेरे पास आके चुप होता था, तब किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्यों? जब पन्नू किसी और के हाथ का खाना नहीं खाता था, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ की खिचड़ी खाता था, तब किसी ने मुझसे कोई टेस्ट क्यों नहीं मांगा? क्या आपको पता भी है? रात में 3 अलार्म लगा के सोती थी मैं, क्योंकि मुझे हर 2 घंटे बाद उठकर पिल्लू को दवाई देनी होती थी, तब किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा?
कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, क्या वो मेरा बेटा है? जब मेरी उंगली पकड़ के वो चलना सीखता था तब किसी ने मुझसे क्यों नहीं मांगा टेस्ट? जब मैं हंसती थी तब वो हंसता था, जब मैं रोती थी तब वो भी रोता था, तब किसी ने आके क्यों नहीं पूछा मुझसे ऐसा क्यों होता है? इतना गहरा रिश्ता क्यों है उन दोनों के बीच? हाँ मैं जानती हूँ कि एक डीएनए टेस्ट से मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरा असली बेटा है या नहीं, लेकिन इतना दावे के साथ जरूर कह सकती हूँ कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरे बच्चे को उसकी आंखें पढ़ के समझ जाए। सिर्फ मैं कर सकती हूँ। अनुप्रिया मैं क्या करूं? हाँ मेरे पास सिर्फ एक ही मदर इंडिया का अवार्ड था जो मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब मैं तुम्हारी बेटी को क्या दूं? कल्याणी योर परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, लेकिन क्या करूं तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए सार्थक, आपको जो भी सुनाना है, जो भी भड़ास निकालनी है ना, वो मुझ पर निकालिए। इस वक्त कल्याणी को मल्हार के लिए वो फूल का रस लेकर जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। रस चाहिए? ठीक है, मेरा घर है, मेरा फूल है, रस लेके जाना है। अगर उसका रस लेके जाना है तो यहाँ पे उसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए क्या कीमत चुकानी होगी। ये माँ बेटी का तमाशा देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा तमाशा और देखूं। तो तुम एक काम करो, तुम कल्याणी को चाटा मारो। अब एक नहीं, 100 चाटे मारो। क्विक। आए, आए, चलो, सोच कह रही हूँ, चलो जल्दी मारो ना, आए जल्दी से, आए जल्दी, टाइम नहीं, क्या देख रही हूँ, मारो ना। काका, काका देखिए, मैं अपने आप को थप्पड़ मार लेती हूँ, मैं अपने आप को चोट पहुंचाती हूँ। 100 नहीं, मैं 100 से ज्यादा थप्पड़ मारूंगी अपने आप को। आप बस आई को वो रस निकाल दीजिए, मैं थप्पड़ मारना शुरू करती हूँ अपने आपको, ठीक है? काका प्लीज काका, हाँ आई जाओ जाओ जाओ। काका, मैंने अपने आपको 120 थप्पड़ मार लिया, अब प्लीज ये रस मुझे लेकर जाने दीजिए। शादी में आई हो तुम और तुम्हारी माँ यहाँ चोरी छुपे मेरे घर में आओगे, चोरी करोगे और ऐसे चले जाओगे। मैं बताता हूँ अब क्या होगा, यहाँ पुलिस आएगी और वो तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के लेके जाएगी। अच्छा, और किस जुर्म में आप हमें गिरफ्तार करवाएंगे? थोड़ा बहुत कानून तो अब मैं भी सीख गई। जहां तक मुझे पता है, कानूनी तौर पर आप और आई, आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है ना?
ना तो आपने आई के खिलाफ कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बनवाए हैं जिनमें ये लिखा हो कि मेरी आई यानी कि आपकी पत्नी जो कि है अनुप्रिया राणे इस घर में नहीं आ सकती। तो आपकी पत्नी होने के नाते आई का तो पूरा हक बनता है इस घर में आना। ये फूल का रस तो मैं मल्हार जी तक लेकर जाऊंगी, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा।